Hello, welcome all of you. Here we are going to start about a new lesson of BCA 105 Digital Electronics. I'm Dr. Abhijit Singh Jadeja. Along with me, subject partner is Professor Yogendra Patel. We both are from Kadi Sarva Vishwavidyalay, Gandhinagar, Bhulabhai Patel College of Computer Studies, BCA. Friends, today we are going to discuss about input device. As you can see on your screen, keyboard, mouse, barcode scanner, MICR, light pen, then after OCR. There are so many type of different input devices are there. अलग-अलग प्रकार के input device बहुत सारे हैं computer में. उसको हम लोग आज लेते हैं. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड. जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे इसका टाइप होगा इनपुट डिवाइस, और इसकी खासियत जो है वो ये है कि यहाँ इसको डेटा एंट्री टूल माना जाता है. सो दिस इज अ डेटा एंट्री टूल. फाइन, सो यू अंडरस्टैंड दिस इज अ डेटा एंट्री टूल वेयर माई माउस इज मूविंग. Use, we can enter maximum generalized data from it, like A to Z, 0 to 9, symbols, special keys, games ke liye. Matlab jiske dwara hum log alphabet ke A to Z character 0 to 9, symbols, special keys, ye sab enter kar sakte hain, wo hai keyboard. Keyboard ki category yadi dekhi jaye to uski main category 4 hai. Mechanical keyboard, wireless keyboard, gaming keyboard and foldable keyboard. आपके स्क्रीन के सामने जो एग्जांपल है वो चारों टाइप के हैं. मैकेनिकल कीबोर्ड जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं जिसमें केबल लगा होता है, मेजोरिटी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आज वही यूज होता है. कोई कोई लोग वायरलेस कीबोर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर केबल होता ही नहीं और एक ब्लूटूथ सेंसर के द्वारा सीपीयू के अंदर एक बटन जैसा होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे उसके द्वारा ये कनेक्टेड होता है. तो ये बहुत पोर्टेबल हो जाता है, इसमें केबल होता ही नहीं है. गेमिंग कीबोर्ड में जैसे आपको दिखाया जा रहा है आपका मोबाइल जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, और वो मोबाइल और ये कीबोर्ड दोनों आप अपने टीवी के साथ स्क्रीन कास्ट के द्वारा यूज कर सकते हैं. तो ये गेमिंग कीबोर्ड है जो नॉर्मल कीबोर्ड से महंगा रहता है. फोल्डेबल कीबोर्ड मार्केट में बिल्कुल नया है जिसको आप फोल्ड करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि उसको आप राउंडेड कोई कपड़े की तरह फोल्ड कर सकते हैं, कोई क्लचेस की तरह, और उसको पैक करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं. तो ये था कीबोर्ड. दूसरा मोस्ट पॉपुलर यदि कोई इनपुट डिवाइस है तो माउस है. टाइप इनपुट डिवाइस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में लिया जाता है. वी यूज यूज उसका देखे तो उसके द्वारा कोई सॉफ्टवेयर सिलेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है, डबल क्लिक के द्वारा कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप को एग्जीक्यूट करके ओपन किया जा सकता है. इसकी कैटेगरी या टाइप देखा जाए तो मैकेनिकल कीबोर्ड सॉरी मैकेनिकल माउस जो जो आजकल आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, ऑप्टिकल माउस जो बहुत चल रहे हैं, वायरलेस गेमिंग माउस, ट्रैक बॉल जिसको हाइब्रिड माउस कहा जाता है. आपके सामने चारों के चारों प्रकार यहाँ पे मौजूद है. ये मैकेनिकल जिसमें रबर का बॉल आता था और रबर के बॉल की मूवमेंट के ऊपर ये सेंस कर लेता था. ये ऑप्टिकल माउस जो आजकल आप यूज करते हैं, आप माउस को उल्टा करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का सेंसर जो उसका पूरे का पूरा लाइटिंग बेस पे होता है. आप जैसे ही माउस घुमाओगे वो सेंस कर लेता है और वो उस हिसाब से कर्सर को मूव करता है. जो रबर के बैंड वाले जो माउस मैकेनिकल माउस है उससे ये बहुत काफ़ी रिलायबल और सस्ता भी है और अच्छा भी है. वायरलेस माउस की बात करें तो जैसे कीबोर्ड के लिए बात करी थी वैसे ही माउस का ये वायरलेस माउस है जिसमें केबल नहीं होता, बट ये जहाँ मेरा कर्सर अभी घूम रहा है आप देख रहे हैं उसको ब्लूटूथ सेंसर के साथ रखा जाता है. ये जो डिब्बी जैसा है एक छोटा सा जिसको हम पेन ड्राइव जैसा कहते हैं वो आपके सीपीयू के अंदर यूएसबी पोर्ट पे लगता है और वो ब्लूटूथ यहाँ के माउस के साथ पेयर कर लेता है. इस माउस में पावर पेंसिल सेल से मिलते हैं, तो ये वायरलेस माउस जो है वो पेंसिल सेल को पावर यूज करने के लिए यूज होता है. गेमिंग माउस जो कि यहाँ पे बीच में दिखाया गया है नॉर्मल माउस जैसा ही है, बट यहाँ पे साइड पे दो बटन एक्स्ट्रा यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे दो बटन एक्स्ट्रा होते हैं. मतलब कि गेम में यूज होने वाले अप एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, डाउन एरो की को माउस में ही इनबिल्ट कर दिया गया है ताकि जो गेमर्स हैं उनको खेलने में आसानी रहे, लेफ्ट हैंड का यूज ही ना करना पड़े और राइट हैंड से माउस के साथ ही आप एरो की को भी कंट्रोल कर सको.
दूसरा यदि कोई चीज है तो वह है ट्रैक बॉल। मेडिकल के अंदर इसका यूज होता है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आपने देखी है, डॉक्टर्स जो कि सर्जन होते हैं सोनोग्राफी करते हैं, वो पर्टिकुलर जगह पे कैमरा को लोकेट करने के लिए या दूसरे काम के लिए इसको यूज करते हैं, यह है ट्रैक बॉल। आगे बढ़े तो ये जो माउस है वो पॉपुलर माउस आपके सामने डिटेक्ट करके रखे हैं, मैकेनिकल माउस जिसमें रबर बॉल होता था, चारों तरफ ब्लैक कलर के सेंसर थे, जिस तरह से बॉल 360 डिग्री घूमता था उस तरफ से यहाँ पे सेंस हो जाता था। ये पीसीबी बोर्ड विद सर्किट है और बॉल की मोशन के ऊपर आपका कर्सर मूव करता था। उसमें तीन बटन होते थे, लेफ्ट बटन, राइट बटन और सेंट्रल बटन। अब आप देख रहे हैं ऑप्टिकल माउस जो कि लाइट वाला है, जिसमें बीच वाले बटन की जगह पे एक स्क्रॉल बार ने ले ली है, जिससे काम करना आसान हो चुका है। स्क्रॉल बार को आप स्क्रॉल के अंदर जो एक रिंग होती है उसको आप टिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं, माउस को अप डाउन भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली माउस माना जाता है, सस्ता भी है और मैक्सिमम पॉपुलर माउस ये है। कोर्डलेस माउस जैसे कि हम लोगों ने बताया कि इसके अंदर पावर होते हैं, पेंसिल सेल होते हैं और ब्लूटूथ से ये पैर होता है, इसके अंदर रेडियो सिग्नल और ब्लूटूथ से इंटीग्रेटेड हो जाता है, इसमें कोई केबल नहीं होता, इसीलिए इसको वायरलेस या कॉर्डलेस माउस कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा डिवाइस जो आज का है वो है स्कैनर। टाइप इनपुट डिवाइस है, कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, मतलब कि जो चीज़ कागज में है उसको डॉक्यूमेंट के अंदर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में, जेपीजी में, तो इसका यूज होता है। कभी कभी सिक्योरिटी पर्पज में भी यूज होता है। इसकी कैटेगरी यदि देखी जाए तो आपके सामने है फ्लैट बैड स्कैनर, ड्रम बेस स्कैनर, ओवरहेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर स्पेशल पर्पज सिक्योरिटी। यदि देखा जाए तो ये ड्रम स्कैनर है जिसके अंदर एक इमेज को स्कैन किया जा रहा है और वही इमेज को बहुत बड़े फ्लैक्स बैनर के साथ यदि प्रिंट करना है तो पहले उसको स्कैन करना पड़ेगा, या छोटी इमेज यहाँ स्कैन हो रही। आप अपने 12th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पान कार्ड को जिस डिवाइस से स्कैन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 70-80% स्कैनर में यही चलता है, जिसको फ्लैट बैड स्कैनर कहते हैं। फैक्स मशीन जहाँ पे आप एक जगह पे अपना डॉक्यूमेंट डालते हैं फॉरेन में या आउट ऑफ स्टेट में, यदि आपको अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजना है तो ये जो स्कैनर है जिसको हम लोग फैक्स मशीन कहते हैं वो फ्लैट बैड स्कैनर के अंदर में आता है। ये प्रोडक्शन के अंदर आप जानते हैं आजकल जेरोक्स मशीन ऐसी आ चुकी है कि उसमें स्कैनर भी है, मल्टीपर्पज़ होता है, कॉपियर होता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, सब कुछ ऑल इन वन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। जब भी आपको बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, नीचे बुक रखी जाती है और ये है ओवरहेड स्कैनर। जब भी आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे पूरे फ्रंट पॉकेट में, बैक पॉकेट में एक हैंड हैंडल स्कैनर घुमाता है। यदि हमारे पॉकेट में कीचेन पड़ा है, की पड़ी है या कोई भी मेटल होता है तो वहाँ से आवाज़ आ जाती है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज में यूज़ होने वाला मेटल डिटेक्टर स्कैनर, जो भी एक प्रकार का स्कैनर है। अब यहाँ से जो डिवाइसेस चालू हो रही है वो खास प्रकार की डिवाइस है, तो सभी मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ध्यान दें, बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइस है, स्पेसिफिक स्कैनिंग डिवाइस में इसको लिया जाता है। इसका यूज़ देखा जाए तो ब्लैक एंड वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स होती है जिसको बार कोड कहते हैं उसको स्कैन करना या उसको रीड करना, रिकॉग्नाइज करना इसका काम है। गेट डिटेल ऑफ आइटम, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे शॉपिंग मॉल में जब हम बिलिंग काउंटर पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल हैंडल करने वाले बॉय या गर्ल्स होते हैं वो बार कोड स्कैन करके फटफट हमारा बिल बना देते हैं, और ये जिस जगह पे होता है वो है शॉपिंग मॉल, और उस डिवाइस को कहा जाता है बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। CCD, लेजर और वैंड स्कैनर, मतलब कि हाथ से आप कहीं से भी मूव करके आप स्कैन कर सकते हो, वो वैंड स्कैनर। लेजर स्कैनर है वो बहुत प्रचलित है, ये अपने शॉपिंग मॉल में जहाँ मेरा अभी कर्सर घूम रहा है आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का राउंड है ये वाला और ये वाला। कहीं पे भी आप रिलायंस मॉल में गए, टाटा मॉल में गए, सुपर स्टार में गए, स्टार बाजार में गए, डी मार्ट में गए, एशिया सुपर मार्केट में गए तो ये स्कैनर होते हैं। तो हम लोग इसके तीनों प्रकार देखते हैं बेटा, CCD, लेजर एंड वैंड स्कैनर। टाइप ऑफ बार कोड स्कैनर का यदि देखा जाए तो वैंड स्कैनर जो होता है वो बहुत ही कम यूज होता है, लेटेस्ट है, चीप है, बट इसकी माइनस पॉइंट भी है, ये मूविंग पार्ट इसमें कुछ नहीं होता, नीड टू हेल्ड अ प्रॉपर एंगल
एंड मूव अ प्रॉपर स्पीड, मतलब कि आप उसको हाथ से मूव करते, बट आप प्रॉपर स्पीड से मूव करने चाहिए, और उसको एक फिक्स जगह पे रखना है। इसकी रेंज भी बहुत लंबी नहीं होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज माना जाता है। CCD का फुल फॉर्म है, चार्ज कपल डिवाइस स्कैनर। ये जहाँ मेरा अभी कर्सर घूम रहा है आप देखिए, व्हाइट कलर का होता है, येलो आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं, बट आप जिसको आराम से हाथ से पकड़ के स्कैन करते हैं, वेयर हाउस वगैरह में जब कोई प्रोडक्ट बाहर जाता है, तब सिक्योरिटी मैनेजर या वेयर हाउस मैनेजर इसको पकड़ के खड़े होते हैं और उसको स्कैन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एबल टू रीड अ बार कोड क्विकली इजीली, ड्यूरेबल, नो मूविंग पार्ट्स, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता, शॉर्ट रीड रेंज, मतलब कि आप उसके नज़दीक रह जाएंगे तो ही ये स्कैन कर पाएगा, लिमिटेड बार कोड विड्थ, मतलब कि यदि आपका बार कोड 2 इंच तक है, 2 इंच तक का है, तो ये CCD स्कैनर काम करेगा। यदि 2 इंच से बड़ा यदि कोई बार कोड है तो उसके लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। लेज़र स्कैनर जिसको हम लोग हर जगह पे पाते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा पीछे ले जाके, ये जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये लेज़र स्कैनर में आता है, इसके अंदर मिरर्स भी होते हैं, और थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर बारकोड स्कैनर है, लॉन्ग रेंज रीड है, यूजिंग मूवेबल मिरर्स, मतलब कि यहाँ पे जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो जो लड़का या लड़की बिलिंग काउंटर पे होता है वो बार कोड को दूर से ही उस मिरर को दिखा देते हैं, ये मिरर का रिफ्लेक्शन नीचे जाता है और नीचे रेड कलर का ये सेंस होता है, मतलब कि बार कोड के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट में मिरर्स का काम हुआ, और ये मिरर का काम हुआ है इसलिए ये मोर एक्सपेंसिव है। लॉन्ग रेंज तक रीड कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, टाइप है इनपुट डिवाइस, स्कैन मैग्नेटिक बेस इंक ऑनली, जिस इंक के अंदर थोड़ा मैग्नेट, मैग्नीशियम या मैग्नेट का यूज हुआ हो, मैग्नीशियम हम लोग ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि आजकल मैग्नेट वाली इंक बहुत महंगी हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई, इसलिए मैग्नीशियम एक केमिकल होता है, MG जिसको कहा जाता है, साइंस के बच्चे जानते हैं, तो उस इंक को रीड करने के लिए स्पेशली ये जहाँ पे यूज होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बैंक्स में ये यूज होता है, चेक डिमांड ड्राफ्ट को रीड करने के लिए। इसकी कैटेगरी सिर्फ दो ही है, सिंगल ट्रिक ट्रैक MICR एंड मल्टी ट्रैक MICR, जिसमें आप सिर्फ एक, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है देखिए, सिंगल ट्रैक यूजर रीड हेड विथ ओनली वन गैप, मतलब कि कोई भी एक चीज को ही रीड कर सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ सिंगल लाइन MICR, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है ये जो डिवाइस है उसको MICR कहा जाएगा। जब मैं चेक डालूंगा तो चेक की डिटेल्स यहाँ है, जैसे कि चेक नंबर, बैंक का IFSC कोड, चेक की वैलिडिटी वगैरह, ये मैग्नीशियम इंक है, जब ये अंदर डाला जाएगा तो वो एक सिंगल लाइन को रीड करके स्कैन करके बता देगा, तो ये है सिंगल लाइन MICR। यस, यहाँ पे अभी आपके सामने जो उपस्थित है वो मल्टी लाइन MICR है। फ्रेंड्स, आपने अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो देखा ही होगा, उसके पीछे 3 डिजिट का एक नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं? यस, आप मुझे कमेंट लाइन में बताइए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर होता है, उसको एक नंबर का नाम दिया जाता है, इसका एक नाम है, उस नंबर को कौन सा नंबर कहा जाता है, जैसे आपका पिन नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में, खास करके डेबिट कार्ड में 3 डिजिट नंबर होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसके नीचे बराबर एक ग्रे कलर, ब्लैक कलर, कभी कभी व्हाइट के साथ रेड कलर की स्ट्रिप्स होती है, 2 लाइन को एक साथ पढ़ना है, जब हम लोग कार्ड को स्वाइप करते हैं तब वो CVV नंबर तो पढ़ ही लेता है क्योंकि वो मैग्नीशियम बेस है, दूसरा वो कार्ड के अंदर जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है जिसमें आपका डिटेल्स है कि ये कार्ड किसका है, उसके साथ कौन सा बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, पैसा कहाँ कटना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, ताकि तुरंत हम जैसे ही पैसे पे करते हैं हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाते हैं। तो 2 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइन को स्कैन करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपने देखा है उसके पीछे जो 3 डिजिट का नंबर है वो मुझे कमेंट लाइन में ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा कि कौन एक्टिव स्टूडेंट है, बॉय या गर्ल, आई वॉन्ट टू नो दैट वन, वॉट इज़ द नेम ऑफ दैट 3 डिजिट नंबर दैट बिहाइंड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, आई विल वेट ऑफ योर आंसर एट द कॉमेंट लाइन ऑफ दिस वीडियो। आपकी पासबुक का स्कैनिंग, बहुत बार हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारा बैगेज या लगेज होता है उसके ऊपर एक बार कोड के साथ एक स्टिकर लगा देते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले, और जहां हम लोग लैंड करते हैं अपना फ्लाइट या हमारा डेस्टिनेशन होता है
वहां पे वो बैगेज या लगेज को स्कैन किया जाता है। वो नो डाउट नॉर्मल स्कैनर होता है, बट वो MICRV कहा जाता है क्योंकि कभी कभी स्पेशली उसमें आपकी जर्नी की पूरी डिटेल होती है, आप कहाँ रहते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, फ्लाइट का नंबर क्या था, आप कौन सी सीट में बैठे थे, ताकि कभी भी कोई भी लगेज चोरी हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है तो ये MICR के द्वारा उस लगेज का डिटेल निकाला जाता है। और उसका जो कोड होता है वो मटाइन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे बार कोड के साथ मैग्नीशियम इंक वाली चीज़ों से लिखा हुआ होता है, ताकि जब भी हम लोग कोई लगेज लेके उतरते हैं तो मेहरबानी करके हमारे लगेज के साथ जो स्टिकर लगा हुआ होता है वो एयरपोर्ट के आजू बाजू में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी डेटा आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी फ्लाइट से ट्रेवल करें, घर पे आके अपने बगेज के साथ जो स्टिकर होता है उसको निकाले और डस्टबिन में डिस्ट्रॉय करे या उसको फाड़ दे, जला दे, क्योंकि वहाँ पे आपकी डिटेल्स, बहुत सारी प्राइवेसी डिटेल, प्राइवेट डिटेल, पासपोर्ट नंबर, जर्नी डेट, जर्नी टाइम, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, सब कुछ उसमें होता है। सो मल्टी लाइन MICR इज देयर। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी एक इनपुट प्रकार का डिवाइस है, बट इसका खासियत यह है कि ये डेटा कन्वर्ट करने में माहिर है। यस, आपने बहुत बार PDF को वर्ड में कन्वर्ट किया है, वर्ड को PDF में कन्वर्ट किया है, तो ये जो है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का काम है। हम समझते हैं, इट इज़ अ पॉपुलर टू यूज फॉर ऑनलाइन फ्री कन्वर्टर टू मेक PDF टू वर्ड और वर्ड टू PDF और सिक्योर PDF। हमारा कोई डॉक्यूमेंट PDF में है तो वर्ड में ले लेना है, या वर्ड को PDF में करना है तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स है जो फ्री कन्वर्टर देती। समटाइम्स यूज टू स्कैन बुक टू PDF विथ स्पेशल डिवाइस। ऑनलाइन एग्जामिनेशन या पेंडेमिक सिचुएशन में आपने अपनी आंसर शीट्स को स्कैन किया है, स्कैन करते हैं तब आपकी हैंड राइटिंग वाली जो बुक है उसको स्कैन करने के लिए आप अलग अलग मोबाइल ऐप का यूज करते थे फ्रेंड्स। यस, कैम स्कैनर एक चाइनीज ऐप थी, वो इंडिया में थोड़ी दिनों के बाद बैंड हुई। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि ऐसी कौन सी ऐप है कैम स्कैनर स्टूडियो, जिसको CA स्कैनर कहते हैं, उसके सिवा की, जिसके द्वारा आप अपने हैंड रिटन आंसर बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके भेजते थे। आपके आंसर का इंतजार रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैटेगरी सिर्फ दो ही है, हैंड हैंडल एंड टेबल टॉप। यदि प्रोसेस की बात किया जाए तो ये खास चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन प्रिंटेड के लिए। ये OCR है और यहाँ पे एक डिवाइस है जो आपको मैंने नीचे डिटेल में बढ़ा करके बताया, उसको स्कैन कर रही है और उसके फॉन्ट को PDF में कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरा, उसी में प्रिंटेड फॉर्म को यदि आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो डिवाइस है जिसको मैं यहाँ पे उसकी प्राइस के साथ दिखाना चाहूँगा, 42,000 रुपीज़ का ये डिवाइस है और इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट स्कैनर विद स्मार्ट OCR। ये 42,000 रुपीज़ का इसलिए है क्या, आपकी बुक जो हैंड रिटन है या कोई भी चीज़ है उसको स्कैन कर देते, ऊपर से लाइट आ रही है, साइड से लाइट आ रही है और उसके फायदे हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग यहाँ ऊपर जाएंगे, हैंड रिटन को ऑनलाइन कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट PDF टू वर्ड, वर्ड टू PDF कन्वर्टर है, इवन लोग आजकल PPT को भी PDF में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी किया है, जो आप देख रहे हैं वो PPT है बट PDF में कन्वर्ट करके आपके साथ बात किया जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि आप ऑफलाइन को भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया, वैसे कैम स्कैनर जैसा एक ऐप है, ये हैंड रिटन चीज़ है, ये मोबाइल हाथ में लेके PDF में कन्वर्ट करके भेज रहा है, तो कैम स्कैनर स्टूडियो के सिवा कौन सी ऐप है वो आपको बताना है। फिर ये जो CAZURE करके मशीन है उसकी खासियत देखिए, 42,000 रुपीज़ है तो उसकी बेनिफिट्स भी तो होंगे। आपकी बुक का पेज यदि फ्लैंटिंग हो रहा है, मतलब कि वो कर्म है, तो उसको सीधा कर देता है ना, मजेदार बात, क्योंकि जब बुक हम यहाँ पे रखेंगे तो बुक तो स्ट्रेट रहने वाली नहीं है, तो कर्विंग पेज को स्ट्रेट बनाता है। इरेजिंग फिंगर प्रिंट्स, बहुत सारी बुक ऐसी होती है कि जिसके ऊपर फिंगर प्रिंट्स लगी हुई है,
तो इसका कैमरा बहुत हाई सेंस वाला होता है, आपकी फिंगरप्रिंट्स को रिमूव कर देता है। बैकग्राउंड प्योरिफिकेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बुक का पेज स्कैन करते हैं तो नॉर्मल स्कैनर में ये ग्रे वाला जैसा चीज आएगा, बट यदि OCR में ये काम किया गया है तो आप देख रहे हैं ये पूरा वाइट, मिल्की वाइट हो गया है, और आपके लिए रीडेबल फॉन्ट ये है। डिस्ट्रोशंस करेक्शंस, बहुत बार हम लोग किसी को अपनी बुक पढ़ने के लिए देते तो वो अंडरलाइन कर देते हैं, मार्कर लगा देते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर देते हैं, कभी कभी कोई लोग तो नोट बना देते हैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह में, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रोशंस, और डिस्ट्रोशन को भी रिमूव ये OCR कहते हैं। ये सीज़ियोर कंपनी का है OCR, इसके फायदे बहुत है और इसीलिए शायद 42,000 है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज टाइप इनपुट डिवाइस स्कैनिंग एंड इवेल्यूएटिंग, इवेल्यूएटिंग मतलब कि आपका परीक्षण करना। इट इज अ पॉपुलर एज इवेल्यूएटिंग सम टेस्ट दैट मार्क विद HB पेंसिल और ब्लैक और ब्लू बॉल पेन पॉइंट आंसर शीट्स। कैटेगरी एक ही है डेस्कटॉप, हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें बबलिंग करते हैं। बबलिंग मतलब कि आपका रोल नंबर वगैरह, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले एक आंसर शीट को यहाँ पे इंसर्ट किया गया होता है। ये पूरा डेस्कटॉप बेस्ड है। इनपुट ट्रे एडजस्टमेंट, यहाँ से ये ऊपर करते तो पावर ऑन हो जाते हैं, आउटपुट ट्रे आ जाती है, आंसर की को सबसे पहले डाला जाता है, इनपुट ट्रे का एडजस्टमेंट किया जाता है, टाइमिंग भी सेट किया जाता है। तो भैया पहले ये मार्क्स की जो भी OMR शीट होती है, सॉरी हाँ ऑप्टिकल मेरे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जो चीज़ होती है उसका आंसर की पहले स्कैन हो जाता है, और उसके बाद मेरे और आपके जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की शीट वन बाय वन यहाँ स्कैन होती है और फिर वो आउटपुट ट्रे में फट 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 बाहर आ जाती है। 100 क्वेश्चंस लगभग 30 से 35 सेकेंड्स में, मतलब एक मिनट का आधा टाइम में 100 क्वेश्चन का एवेल्यूटिंग होके एक्सेल शीट में व्यक्ति का रोल नंबर, नाम, उसके कितने करेक्ट आंसर है, कितने इनकरेक्ट आंसर है, उसके मार्क्स कितने हैं, यदि नेगेटिव मार्किंग है तो वो कैलकुलेट करना, नेगेटिव नहीं है तो नॉर्मल कैलकुलेट करके 35 to 40 सेकेंड में 100 क्वेश्चन को एवेल्यूएट करने का स्पीड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन का है, और ये बहुत स्वस्थता से काम करता है, निष्पक्षता से काम करता है। इसलिए बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्लास वन, क्लास टू और आजकल तो क्लास थ्री के पेपर भी इसी में चेक होते हैं। तो ये था OMR। जॉयस्टिक, यस, गेमिंग डिवाइस है, बहुत सारे यंग जनरेशन आपके जैसे लोग इसको देखे हैं, खेले भी हैं। स्पेशल मोशन पॉइंटिंग, माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस था बट इसमें मैंने मोशन शब्द यूज़ किया क्योंकि ये 360 डिग्री घूम सकता है। इट इज़ अ पॉपुलर गेमिंग पर्पस एज वेल एज इन सम हाइब्रिड कंप्यूटर इट इज़ यूज वेयर मेडिकल डायग्नोसिस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स में इसका यूज हो रहा है। म्यूजिक कंट्रोलिंग डिवाइस में भी इसका यूज हो रहा है। कैटेगरी यदि दो ही है, गेमिंग और मेडिकल, और म्यूजिकल डिवाइस भी है बट वो स्पेशल कैटेगरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जॉयस्टिक्स अलग अलग प्रकार की है, ये पहले थी फिर ये आई, आजकल फ्लाइट में ये या ये यूज होती है, आप जो PS1 PS2 गेम खेलते तब ये वाली ब्लू वाली, ये पूरा 360 डिग्री का एक माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव थ्रू करके एक वर्चुअल गेम आता है जिसमें बैठ के आपको पूरा ड्राइविंग जैसा फीलिंग आता है, ये है। ये सोनी का जो PS1 PS2 का गेम आता है और उसमें जो ये बटन होते हैं या ये रिमोट के अंदर चार डायरेक्शन वाली चीज़ जो आप देख रहे हैं वो और कुछ नहीं है, जॉयस्टिक है। स्टिक को निकाल के उस बटन को 360 डिग्री घुमाने के लिए कैपेबल बनाया है, इसलिए ये सब जो आप देख रहे हैं वो जनरल पर्पस जॉयस्टिक्स में आते हैं, अलग अलग जगह पे इसका यूज होता है। यस, ये दोनों इक्विपमेंट मेडिकल रिलेटेड है, ये ब्रेन सोनोग्राफी या ब्रेन का MRI जब किया जाता है, बहुत बार सोनोग्राफी चीज़ों को, बहुत सारे ऑपरेशन जो लेप्रोस्कोपी जैसी चीज़ें होती है तब इसको जूम करने के लिए या उसको मूव करने के लिए, ये कैमरा को मूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी व्हील चेयर है जिसमें चलाने के लिए पीछे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बैटरी लेके ये जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है राउंडेड ब्लैक देख सकते हैं आप, वहाँ पे एक जॉयस्टिक है, उसकी मदद से जो भी हैंडीकैप बच्चे हैं, हैंडीकैप बॉय या गर्ल है, उसमें आप उसको घुमा सकते हैं और उस तरह से जहाँ से आपकी जॉयस्टिक की डायरेक्शन होगी उस तरह से ये पूरा का पूरा जो चेयर है वैसे मूव होगा, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बैटरी होती है, एक प्रकार का व्हीकल ही हो गया। इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, एक मूवी थी जिस मूवी के अंदर शाहरुख खान जी ने बहुत बौने का रोल किया था, अनुष्का शर्मा थी जो ये व्हील चेयर पे मतलब बैठी थी और ये चलाती थी,
एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स अक्सर इसी चेयर में बैठते थे, जिनका निधन हो चुका है, जो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। तो मुझे आपको ये बताना है कि वो शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा वाली मूवी कौन सी थी जिसमें शाहरुख खान जी ने बोने का रोल किया था, बहुत छोटे थे उसका किरदार, उनका किरदार, और अनुष्का शर्मा है वो ऐसी चेयर पे लगभग मूवी में देखने को मिली है। मूवी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्पेशल पर्पस जॉयस्टिक ये रहा। लास्ट डिवाइस हम लोग ले रहे हैं वो है लाइट पेन। इनपुट डिवाइस में स्पेशल लाइट बेस्ड इनपुट डिवाइस माना जाता है। लाइट पेन का यूज़ आप सभी लोगों ने देखा है, जैसे अभी आपको पिक्चर ही मिल गया है, मोबाइल के अंदर जो टच पैड होता है उसके साथ एक स्टिक आती है। सैमसंग नोट 4 मोबाइल था उसमें भी एक स्टिक आती थी, बट वो लेज़र बेस्ड नहीं थी, वो टच बेस्ड थी। जब भी वो कैप्टिवेट स्क्रीन के टच में आती थी तो आप कुछ ड्रॉ कर सकते थे, लिख सकते थे। इसका यूज होता है पॉपुलर फॉर सिलेक्टिंग नेचुरल राइटिंग, ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक रेज के द्वारा ड्रॉ हो सकता है। ये स्पेशल पेन भी आती है कोई कोई लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर आप ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो उसको एडिट करने के लिए ये लेजर बेस्ड लाइट होती है जिसके द्वारा आप सिलेक्टिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये मोबाइल का सिलेक्शन है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पौधा गमले के साथ बनाया गया है और ये टच लाइट पेन के द्वारा हुआ है और आप उसके अंदर कलर फिलिंग वगैरह वगैरह कर सकते हैं, जनरल पर्पज लाइट पेन। यस, लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वो है इंडस्ट्री लेवल लाइट पेन। बॉयलर, थर्मल, क्रशर, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री में यदि जब कोई बॉयलर या थर्मल या ऐसा कुछ होता है, उसकी क्वालिटी और उसका टेम्परेचर प्रॉपर करने के लिए या उसके अंदर कुछ एक चीज़ का प्लस माइनस करने के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के अंदर बॉयलर की हीट को कंट्रोल करने के लिए या उसके इक्विपमेंट्स में वेपराइज को बढ़ाने के लिए कोई दूसरे बटन है ही नहीं मॉनिटर के ऊपर, सिर्फ ये लाइट पेन के द्वारा उसको इंक्रीज किया जा रहा है, दबा के प्रेस करके उसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट खींच के। उस फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप देखेंगे तो बॉयलर के अंदर आपको वेपोराइज ज़्यादा ऐड करना है, आपको उसके अंदर भेज डालना है, आपको उसको अंदर भाप डालनी है। कभी कभी ये होता है कि जब हम लोग कोई ऑइंटमेंट बनाते हैं, ट्यूब वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर पाउडर ही होता है, बट पाउडर के साथ उसके अंदर कभी कभी भेज भी डाला जाता है, पानी की भाप भी डाली जाती है, तब जाके वो ट्यूब बनती है। तो ये फार्मास्यूटिकल में, इंडस्ट्रियल में, क्रशर में, प्योरीफिकेशन में, ये सब चीज़ में ये लाइट पेन होता है। मेडिकल के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ लेप्रोस्कोपी का एक ऑपरेशन हो रहा है। ये जो इक्विपमेंट है जो डॉक्टर के हैंड में है, राइट हैंड जहाँ से वो ऑपरेशन करते हैं, और लेफ्ट हैंड के अंदर ये जिसे इंडस्टाइन में या स्टमक में छेद करके डाला है, इस रोड के ऊपर जब ये रोड सामने आता है तभी यहाँ लाइट होती है, इसी में कैमरा होता है और कैमरा और लाइट के द्वारा डॉक्टर देख पाते हैं और यहाँ पे लेप्रोस्कोपी का जो भी गांठ वगैरह होता है उसको तोड़ के उसको आराम से निकाल लिया जाता है। तो मेडिकल के अंदर भी ये लाइट पेन का यूज़ बहुत स्पेशल कैटेगरी में हो रहा है, क्योंकि ये जो मेटल है उसके अंदर एक कैमरा होता है और ये जब कटर होता है उसके साथ उसका एग्जैक्ट एंगल मिलता है तभी यहाँ से लाइट का फोकस होता है और लाइट के फोकस के बाद डॉक्टर्स आराम से ये काम कर पाते हैं। तो ये थे स्पेशल पर्पस लाइट पेन। ये सब करने के बाद अभी हमारा स्पेशल सेक्शन है जिसको सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट या सेल्फ लर्निंग असेसमेंट कहते हैं, और इस टॉपिक के अंदर कुछ एक एब्रीवेशन BCR, OCR, MICR, OMR, CCD, PDF, इसके फुल फॉर्म लिखना है। गिव द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड एंड इट्स प्राइस। व्हाट इज द मेन टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। व्हाट इज स्कैनर, गिव द टाइप्स ऑफ स्कैनर विद द वेरियस टाइप ऑफ स्कैनर्स, बताया मैंने आप लोगों को। सिक्योरिटी में मेटल डिटेक्टर भी स्कैनर है, फ्लैट पैड स्कैनर होता है, हैंड हैंडल स्कैनर होता है, इंडस्ट्रियल स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है, वो सब चीज़ इस वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज की तरफ से देखा जाए तो BCR और OCR, बार कोड रीडर और रिकॉग्नाइजेशन, या हम लोग ये बोले ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का डिफरेंस आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आपने कहाँ देखा है और उसके लिए मैंने डिटेल में समझाया उसके टाइप्स के साथ। शॉर्ट नोट ऑफ OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, गवर्नमेंट एग्जाम में बबलिंग में काम आता है। What is the use of joystick? Discuss the types of joysticks with the common use of it.
एंड शॉर्ट डिस्कशन अबाउट जॉयस्टिक्स. यस, दोनों क्वेश्चन सेम है बट आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं. राइट योर ओन वर्ड्स, विच इज योर फेवरेट इनपुट डिवाइस, या लाइट पेन भी आप ले सकते हैं. इतने इनपुट डिवाइस हमने आज डिस्कस किए, 9 इनपुट डिवाइस हमारी डिस्कशन हो चुकी है. उसमें से बेस्ट इनपुट डिवाइस या आपका फेवरेट इनपुट डिवाइस कौन सा है और वो क्यों है, उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग अपने खुद के वर्ड में, आपकी खुद की असाइनमेंट बुक में लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा और सबमिट करना है. तो ये था असाइनमेंट 1.5, क्योंकि इनपुट डिवाइस यहाँ पूरा होता है. थैंक यू वेरी मच टू वॉच अवर वीडियो. दिस इज डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा और मेरे सब्जेक्ट पार्टनर प्रोफेसर योगेंद्र पटेल की तरफ से हम थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो कहते हैं. मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक कीजिए. यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, या आपको कोई इस वीडियो के अंदर कोई डिटेलिंग क्वेश्चन कर है हो रहा है, आपको कोई कोई क्वेरी अराइज हुई है तो आप पूछ सकते हैं. मैंने आपको 3 नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं इस वीडियो के. मेरा इंतज़ार रहेगा कि हु इज़ द फर्स्ट बॉय और गर्ल हु गिव द आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो में पूछे गए 3 क्वेश्चन, आप आराम से देखिए, पढ़िए, सुनिए और उसके बाद को रिलेट करके मुझे आंसर कमेंट लाइन में देना ना भूले. इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, या आपके कोई भी रिलेटिव यदि IT में कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत काम का वीडियो हो सकता है. मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी और वीडियो मैं चलाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले. थैंक्स वंस अगेन. इन दिस पैंडेमिक सिचुएशंस ऑफ कोरोना COVID-19, स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजिंग प्रॉपरली, एंड व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज इट इज अ वेरी पैंडेमिक सिचुएशन. Thank you so much for once again watching this video. Please give your comments and feedback about this video at the comment line. मैं आपकी comment का और आपकी queries का हो सके उतना जल्दी उत्तर देता ही हूँ. Thanks once again. Have a nice day. Bye bye all.